हेलो एवरीवन, मैं सुधा सिंह आप सभी का आइडियल इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम लोग संस्कृत में कुछ प्रमुख ग्रंथ और उनके ग्रंथकारों के बारे में जानेंगे, तो आइए देखते हैं। पहला हमारा है काव्य प्रकाश। कौन सा है? पहला है हमारा काव्य प्रकाश। इसके लेखक हैं आचार्य मम्मट। दूसरा है हमारा साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण की रचना की है आचार्य विश्वनाथ ने। किसने की है? आचार्य विश्वनाथ ने। तीसरा है रस गंगाधर। रस गंगाधर की रचना की है पंडित राज जगन्नाथ ने। अगला है काव्यालंकार। काव्यालंकार की रचना की है आचार्य भामह ने। पांचवा है वक्रोति जीवितम। कौन सा? वक्रोति जीवितम। इसके लेखक हैं, इसके रचनाकार आचार्य कुंतक। अगला है हमारा काव्यालंकार सूत्र। काव्यालंकार सूत्र की रचना आचार्य वामन ने की है। अगला है नेक्स्ट ध्वन्यालोक। ध्वन्यालोक की रचना आचार्य आनंद वर्धन ने की है। किसने की है? आनंद वर्धन ने। नेक्स्ट है हमारा काव्यादर्श। काव्यादर्श की रचना आचार्य दंडी ने की है। जैसे यहाँ पर काव्य प्रकाश है, काव्य प्रकाश ये भी काव्य से शुरू हो रहा है, ये भी काव्य से शुरू हो रहा है। तो काव्य प्रकाश की रचना आचार्य मम्मट ने की है और काव्यादर्श की रचना आचार्य दंडी ने की है। अगला है हमारा औचित्य विचार चर्चा। औचित्य विचार चर्चा जिसकी रचना आचार्य क्षेमेंद्र ने की है। नेक्स्ट अगला है अग्निपुराण। अग्निपुराण की रचना आचार्य व्यास ने की है। अगला है श्रृंगार प्रकाश। श्रृंगार प्रकाश की रचना भोज ने की है। ये थे हमारे प्रमुख ग्रंथ और उनके रचनाकार। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।